टाइम हुआ था 6:23 और हमें निकलना था स्टेशन के लिए क्योंकि हम जा रहे थे भोपाल। तो गाइस खाना हमारा पैक हो गया है, ये टिफिन रहा, इसमें रोटी पैक हो गई और चलिए अब निकलते हैं और मिलते हैं वहीं पे स्टेशन पे। चलिए चलते हैं। तो हमने पकड़ा ऑटो, ऑटो ने 20-20 रुपए लिए और स्टेशन की तरफ मैं आगे बढ़ने लगा और हम निकल चुके हैं स्टेशन की तरफ। अभी पहुंच चुके हैं एलाइट और है यहाँ रेड लाइट, थोड़ा सा टाइम और पहुंच जाएंगे हम स्टेशन। फाइनली हम झांसी स्टेशन पे पहुंच गए थे। आई लव झांसी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी गाड़ी आने वाली थी और हम जल्दी से जाने के लिए पहुंचे एलिवेटर पे। माफ़ी चाहता हूँ गाइस, मैं शूट नहीं कर पाया रात में क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था और अभी 2:38 हो चुके थे और मैं पहुंच चुका था भोपाल, बस उतरने ही वाला था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और टाइम हम लोग पहुंच गए हैं भोपाल। अभी 2:52 हुए हैं और अभी तो बाहर जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे। यहाँ भी काम भी है और रात में तो हम कुछ दिखाई नहीं पाए आपको, बट एसी में रूम था, थर्ड एसी में, बढ़िया, दिक्कत नहीं हुई कुछ सफर में। हमने सोचा थोड़ा वेट कर लें बट वहाँ पे जो VIP लॉन्च होता है उसमें स्पेस थी नहीं, तो हम चल दिए बाहर की तरफ। और क्योंकि ये टाइम भी हो चुका था तो थोड़ी रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए थी, तो हमने सोचा कि बाहर जाएंगे और कोई होटल अगर मिलता है 8-9 तक तो वहाँ पे जाके फ्री हो जाएंगे, तो हम निकल पड़े बाहर की तरफ। अभी हम स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं और ढूंढ रहे हैं होटल, तो वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और नहा धो के सुबह मॉर्निंग में 8 निकल लेंगे। तो हम निकल पड़े अपना होटल ढूंढने के लिए। और वो कितना दूर है पीपल्स मॉल? पीपल्स मॉल यहाँ से पड़ेगा 6 किलोमीटर। अच्छा हाँ। और तालाब वगैरह तो पास में ही है, वो उसकी भी बसें मिलती होंगी? हाँ बसें भी मिलती हैं, ऑटो में भी जा सकते हैं, केबल भी जा सकते हैं, आप एक दिन घुमा लेते हैं। पूरा दिन घुमाने का क्या लोगे तुम? पूरा दिन घुमाने का 1200 होते हैं। 1200 नहीं यार, 1200 ज़्यादा, पूरा दिन ही हो जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक।
रोड बहुत खराब हो गया ये। अच्छा उम्र हो गई 50 साल हो गए। अच्छा उम्र बढ़ जाएगी। हमने कमरा लिया है कोई 5 घंटे के लिए लगभग, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन 600 रुपये में और क्या लूँगे। बस ये मिल गया कि रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, उसके बाद हम निकल जाएंगे MP NRC के लिए, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के लिए। वॉशरूम वगैरह ये रहा, ये TV रही और ये छोटा सा रूम रहा। ये डबल बेड है, ये वॉशरूम है, ठीक है, काम चलेगा।